सर, मेरा नाम मोहम्मद खाली सिद्दीकी है और आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत पल्ली में, जहां पर 70 साल में पहली बार सैनी समाज से एक युवा चेहरा प्रधान पद की उपस्थिति में मौजूद हुआ है, जिन्हें गांव वालों ने अपना प्यार सराहना देकर उन्हें प्रधान पद बनाया है। तो जाए मोनू सैनी से डायरेक्टली बात करके जानेंगे किस तरह का उनका विकास करने के इरादे है, किस तरह से वे जनता के बीच में अपना जनसंपर्क साध रहे हैं। मोनू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे गाँव वासियों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। आप को जनता ने सराहा है, ग्राम पद के पद पे बिठाया है, तो किस तरह से आप जनता के बीच में विकास करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इससे पहले भी 5 साल पहले चुनाव लड़ा, दुर्भाग्यवश हार गया। दोबारा फिर बराबर जब मैं चुनाव हारा, जब से बराबर आज तक मैं बराबर गांव में, समाज में और 36 बिरादरी के बीच में रहा, सुख दुख में, दर्द में उनके साथ रहा, कंधे से कंधा मिला के साथ चला, और उन्होंने मेरा जो प्यार मुझे वापसी दिया, मैं ब्याज के वापसी कर दिया। 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिया, 1250 वोट मुझे मिले हैं, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हर उस व्यक्ति का जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, जिसने मुझे वोट दी। मैं उनका ऋणी हूँ और मैं कोशिश ये करूँगा कि 8 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। मोनू जी, गांव में आप प्रधान पद पर विवस्थित है और आने वाले समय में किस तरह का विकास आप गांव के बीच में लाना चाहते हैं? नौजवान के लिए वृद्धा पेंशन जैसे होती है, किस तरह का विकास करना चाहिए? पेंशन तो काफ़ी पहले भी बनवा रखी, लेकिन अब तो टोटल गांव में कोई विधवा और वृद्धा कोई ऐसी नहीं रहेगी जिनकी पेंशन ना हो। और गाँव में साफ सफाई, अभी ईद का त्यौहार आ रहा, तुरंत शपथ लेते ही गांव में, पूरे गांव में सफाई होगी, सैनिटाइजर और कली वगैरह पूरे गांव में होगी। दूसरा, हमारे गांव में बरसात, अगर हमें डर लग रहा अभी बरसात आने वाली है, क्योंकि पानी की निकासी के लिए तालाब पूरे ऊपर तक अटे हुए, उनका इतना उनकी सफाई का काम जो है सबसे पहले फोकस रहेगा हमारा। तो कोरोना काल चल रहा है देश में महामारी के रूप में, तो गाँव वासियों के लिए किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देता, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा सभी मेरे प्यारे गाँव वासियों से, ये COVID-19 बड़ी भयानक बीमारी है, सब बचें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पर रहें, और कहीं कोई भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे फ़ोन करें, मैं तुरंत जो है उस दिक्कत की समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ मौजूद थे पल्ली से प्रधान पद के मोनू, जिन्होंने बताया कि हम हर वर्ग के लिए विकास करेंगे, हर जो